नेता और पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए हाल ही में कहा, चाहे कितना भी कीचड़ फैलाया गया लेकिन कमल यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कहीं भी खिलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने कहा कि उन्होंने देखा है कि सत्ता के लालच में कैसे मित्रों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वर्ली से विधायक ठाकरे नवम्बर में राज्य विधानसभा में संयुक्त सत्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के संबोधन पर विधानसभा में बोल रहे थे। अपनी पुरानी गठबंधन सहयोगी और अब विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, मैंने देखा है कि सत्ता के लालच में किस तरह से दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बता दें आपको कि आदित्य ठाकरे ने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका निशाना बीजेपी पर ही था। गौरतलब है कि सीएम पद की मांग को लेकर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। बाद में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार बनाई और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, कितना भी कीचड़ क्यों ना फैलाया जाए, हम कहीं भी कमल नहीं खिलने देंगे। इस बीच विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए। ठाकरे ने राज्य के सभी विधायकों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दशकों में यह संभवतः पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का रात्रि भोज दिया हो। एसपीएन 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।